हेलो हेलो, क्या कर रहे हो? हेलो हेलो, क्या कर रहे हो? हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही क्या? हेलो 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 हेलो। हेलो, हाँ बोलो। पागल हो क्या? मुझे नहीं पता। तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम पागल हो क्या? नहीं तो बोल क्यों नहीं रहे थे तीर से? हेलो हेलो तुम कर रही थी क्या? मुझे क्या पता तुम हेलो हेलो कर रहे थे। मैं भी तो हेलो हेलो कर रही थी। तो मैं हेलो हेलो कर रहा था, मतलब बोल ही रहा था ना। हेलो हेलो करना तो ही जब बोलना ही हेलो की होता है। आवाज़ आ रही थी तो उसके आगे क्यों नहीं बोल रहे थे? उसके आगे हेलो बोल तो रहा था, हेलो के आगे और भी बातें होती हैं। तो अब बातें करता रहा हूँ। क्या बातें कर रहे बताओ कैसे कॉल किया? हो? फोन हाथ में उठाया और कॉल लग गया। ओ वेरी फनी। हंसना था क्या? नहीं तो ये सिली सा क्वेश्चन क्यों पूछा तुमने? कॉल कैसे किया? नहीं मतलब मैं तुम बता ही थी ना, बाहर जा रहा हूँ दोस्तों के साथ। तो वो नई बात थोड़ी है, हाँ तो फिर कॉल क्यों किया ये पूछ रहा हूँ। बात करने के लिए। नहीं शायद तुम समझे नहीं, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ घूमने। वो मैंने सुन लिया कि तुम दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो घूमने, और मैंने भी ये कहा कि नई बात नहीं है। हाँ तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था क्या बताया था तुमने? कि मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। हाँ तो मैंने भी यही बोला ना, नई बात नहीं है, तुम रोज दोस्तों के तो साथ घूमने फिर जाते नहीं हो। नहीं मैंने बोला था कि मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, तो तुम कॉल वगैरह मत करना कि मैं दोस्तों के साथ हूँगा। मेरे ना थोड़ा दिमाग कम है ना, इसलिए मैं कॉल कर लेती हूँ। मैं पागल हूँ ना, इसीलिए कॉल कर लेती हूँ बार बार। अच्छा तो अभी तो नहीं ले जा पाऊंगा मैं तुम्हें कहाँ पे? पागल खाने इलाज करवाने। नहीं, मैं तुम्हें ले जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो फिर बताओ मुझे कॉल कैसे किया? मुझे लग रहा मैं पागल नहीं, तुम पागल हो। तो जब मैंने तुम्हें बोला था मैं दोस्तों के साथ रहूँगा बिजी रहूँगा तो कॉल मत करना, तो तुमने अब कॉल किया है तो कुछ काम था। कुछ काम नहीं था, फालतू बैठी थी, कोई कॉल नहीं रिसीव कर रहा था, इसलिए तुम्हें कॉल कर लिया। तो मैंने बोली तो थी कि मैं भी कॉल रिसीव नहीं करूँगा, तुमने दोस्तों के कर साथ लिया है ना? आऊँगा। पर कल लिया तो हेलो हेलो इसलिए कह रहा था कि दोस्तों के साथ बैठा होता, फोन को घसीटते हुए यहाँ तक लाया था, इसलिए हेलो 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 कर रहा था। तो बताना चाहिए ना कि हेलो क्यों कर रहे थे, क्या हाँ तो बता रहा हूँ ना, बताओ कर रहे थे वैसे? पागल हो। अभी तो बोला हाँ। मैंने 4 बार 5 बार बता दिया कि दोस्तों के साथ बाहर आया हूँ, अभी तुम पूछ रहे हो क्या कर रहे थे? तुम पागल हो? बोला वो तो मुझे नहीं, भी पता है कि तुम दोस्तों के साथ बाहर आए हो, मैं यही पूछ रही हूँ कि क्या कर रहे हो बाहर। बाहर कुछ नहीं बैठे हुए थे सारे दोस्त, भूख लगी थी तो एक कैफ़े में आए खाना वाना खाने, कैफे में खाना खाने आए हो? मतलब मैं कॉफ़ी पीऊँगा वो कुछ ना कुछ खाना वाना खाएंगे हल्का हल्का। अच्छा, मेरे लिए पैक कराया ना, नहीं इधर इधर सिर्फ कॉफ़ी मिलती है, कॉफ़ी पैक कराया ना, ठंडी हो जाएगी बेकार हो जाएगी, कोल्ड कॉफ़ी लिया ना। गर्म हो जाएगी बेकार हो जाएगी, धूप बहुत है ना, धूप में गर्म कोई हो दिक्कत नहीं, जाएगी आइस डाल के पी लूँगी वापस से। वो, ख़राब हो जाती है फिर, है ख़राब हो जाती है। तुम्हारे दोस्त क्या खा रहे हैं स्नैक्स में? कुछ नहीं, किसी ने चाय ऑर्डर किया, किसी ने बिस्किट ऑर्डर किया है, और कोई अपना वो कॉफ़ी पी रहा है। बिस्किट ले आना, बिस्किट इधर अच्छे नहीं है। कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। ठीक है ले आऊँगा 5 वाला, पांच वाले बढ़िया तो कितने 10 वाले बिस्किट वाला हैं, ले गया ना बिस्किट। 15 वाले ले आऊँगा। पंद्रह वाले बिस्किट लेके आओगे तुम? बिल्लिया भैया 2000 वाले बिस्किट है आपके पास या नहीं है? लास्ट रेट, हाई फाई रेट वाले पूछो, कौन सा वाला है बिस्किट? 25 रुपये, हैं 25। पूछो तो सही, पूछा ही कब तुमने? मेन्यू है ना मेरे सामने, अंधा थोड़ी हूँ मैं। तुम्हें पढ़ना कहाँ आता है इंग्लिश? नहीं वही तो पढ़ना नहीं आता, जब तो तुम सारे रिलेशन में स्टार्ट हो गया व्हाट यू मीन तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ गया? ना, बस आ गया। कहने का मतलब क्या तुम्हारा, कि तुम्हें इंग्लिश पढ़नी नहीं आती? तुम कमा रहे हो तो मैं भी कमा रहूँ। अब सच कह नहीं सकते ना इंसान। हमेशा रेस्टोरेंट में जाता है तो मेन्यू मैं ही पढ़ती हूँ। हाँ तो क्योंकि जो मालिक होता है ना वो अपने क्या बोलते हैं जो उनके नीचे का स्टाफ होता है उसको काम पे लगाता है ना, ही खुद काम करता अच्छा, जो मालिक होता है फिर चलो, मैं तुम्हारा स्टाफ हुई तो मैं मेन्यू पढ़ती हूँ, मैं अपनी पसंद का मंगा रही हूँ, तुम्हारी पसंद का कुछ मंगाती ही नहीं हाँ। हूँ। तो मैंने तुम्हें छूट दी है ना, बहुत मालिक ऐसे नहीं होते अपने स्टाफ को छूट दी होती है शर्म क्या नहीं आती है खाना है स्टाफ से क्या ही पैसे क्यों दिलवाते हो? नहीं, पैसे तो मैं ही देता हूँ बेटा। बड़े भारी तुम पैसे देते हो। जितना अच्छा तुम अपने आप को समझते हो ना, उतने हो नहीं। इतने हजार इतने रुपए के अंदर बिल में 50 रुपये कंट्रीब्यूट करना पैसे देना नहीं होता है, कब समझ में आएगी बात तुम्हें? दिल बड़ा रखो यार, इतना छोटे दिल दिल के के साथ इंसान कभी कभी को। जेब भी बड़ी होनी चाहिए, यार दिल बड़ा रखो, दिल जेब बड़े तो हर से। किसी की बड़ी छोटी होती रहती है, अरे मेरे दोस्त दिल सब, बड़ा होगा तो जेब हाँ अपने आप बड़ी हो जाएगी अरे मेरे दोस्त ऑटोमेटिकली। सब खा पी रहे हैं ना, मैं बिल आएगा बोल दूंगा भाई दिल बड़ा रख, तो बिल पे नहीं हो जाएगा उससे। दिल बड़ा रखना चाहिए, जेब अपने आप ऑटोमेटिकली बड़ी छोटी ठीक हो है तो जाती है। अगली बार मैं रेस्टोरेंट में आऊँगा जब जितना ही बिल आएगा तुम पे करना दिल बड़ा रख के, ठीक है? ठीक है ठीक है, उसके अगली बार तुम करना, एक एक चक्कर करेंगे दोनों। ये पता नहीं कितनी सालों में तुमने कितनी बार डिसाइड किया है, क्या
और जब जाता हूँ तब तुम्हारा कंट्रीब्यूट क्या होता है, 1,000 रुपये बिल में 50, 2,000 के बिल में 100, यही अबे चलता आ तो रहा है। कंट्रीब्यूट तो करती हूँ, तुम्हारी तरह थोड़ी इसको ना। कंट्रीब्यूट करना नहीं कहते हैं, उसमें वेटर की टिप भी नहीं आती। 1,000 रुपये बिल में 50 रुपये 100 रुपये तो उसको टिप ही चली आती है। 50 रुपये जाती है टिप, हाँ जो भी है। तो 50 रुपये टिप दे तो देती हूँ मैं। बिल तुम देते हो पर टिप मैं देती हूँ। अब तुम अच्छा बिल और टिप दोनों दोगे तो 1,050 रुपये जाएंगे तुम्हारे। अब तो इतने 50 रुपये बचा के मैं कौन सा अंबानी बन जाऊंगा। एनीवे तुमने कॉल कैसे किया? तो 50 रुपये खर्च करके तुम कौन से इतने गरीब बन जाओगे। एनीवे तुमने कॉल कैसे किया? कॉल ऐसे किया कि बताया तो था यार, तुम कितनी बार बताऊँ एक बात को। सीरियसली कॉल कैसे किया? एक मन में सवाल आ रहा था, क्या पूछो, कितने सवाल आते हैं ना। मन में एक नया रोज एक नया सवाल आता है। अब क्या है पूछो। तुम्हारा तो पता नहीं मुझे, तुम्हारा मैं पूछूंगी भी नहीं क्योंकि तुम पता नहीं कैसे ही जवाब देते हो अजीबो गरीबो जो मुझे खुद भी समझ में नहीं आते हैं। चुप पूछो पूछो। तो मेरे समझ में सवाल ये आया कि यार अगर मुझे फ्यूचर में कुछ करना है तो मैं क्या करूँ। काम आई नो दैट काम, बट क्या काम, तुम तो पढ़ाई कर रही हो ना, पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ मुझसे बात भी कर रही हो, तुम पागल हो, तो घर मेरा के झाड़ू फ्यूचर हो। पोछे सीख लो, बात आए, अच्छा कि खाना बनाना सीख लो। तुम पागल हो क्या। मैं कंप्यूटर, इंग्लिश स्पीकिंग, सिलाई कढ़ाई बुनाई, अच्छा 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 ईटीसी, ब्यूटी पार्लर कोर्स, मेहंदी कोर्स, इन अच्छा सब में से अच्छा बोल रही अच्छा और हूँ। ये जो पढ़ाई पे इतना खर्चा कर रहे हो, नहीं उस पर भी वर्क किया जाएगा। वो फिलहाल जो अभी जा रहा है वो पैसा पानी में जा रहा है फिर। नहीं उस पर भी वर्क कर रही हूँ, ऐसा तो है अच्छा नहीं पढ़ती वर्क नहीं कर हूँ, रही हो, अच्छा। ऐसा तो है नहीं पढ़ाई करती नहीं हूँ मैं। तो क्या दिक्कत है, पढ़ाई करने के बाद जॉब मिल जाएगी ना। फिर भी मुझे एक साइड साइड बिजनेस चाहिए। अच्छा साइड बिजनेस चाहिए वो, हाँ मैं तो भूल गया था, साइड बिजनेस में हूँ तो तुम्हारा। शादी के बाद मुझसे पैसे नहीं ऐड हुई क्या? तुम तो ऐसे बोलो जैसे एक बार बोलोगे पैसे दे दो तो तुम निकाल के दे दोगे। इतने शरीफ तो हो नहीं तुम, पैसे भी 10 बार खिलवाओगे चिकवाओगे उसके बाद तुम पैसे दोगे। ऐसे पैसे लेने से क्या ही फायदा जो 10 बार मैं चीखूँ किल्लूँ, सॉरी चीखूँ चिल्लाऊँ लड़ूँ मरूँ उसके बाद तुम मुझे पैसे दो। ऐसे पैसे से क्या ही फायदा। हाँ भाई अभी आ रहा हूँ, क्या हो गया तुम्हारा? मैं तुमसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रही, तुम लड़ने के मूड में आ गए तो इसका हम बाद में भी आंसर कर सकते हैं, क्यों। मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम एंजॉय कर रहा हूँ। दोस्तों से क्या एंजॉय करोगे, दोस्तों की बुराई करोगे, अपनी गर्लफ्रेंडों की बुराई करोगे सब मिलके। अपनी आदत है, तुम मत बताओ। तुम्हारी ये आदत है, तुम्हारी जो फ्रेंड हुई किटी पार्टी होती है ना, मैं तो नहीं करती हूँ किटी पार्टी। हाँ तुम्हारी फ्रेंड हुई जो भी पार्टी होती है उस पार्टी में होता होगा ये सब। अरे तो ये पता है मेरा बॉयफ्रेंड तो ऐसा है, अरे यार वो तो ऐसा है पता है, ऐसा है वैसा है, हाँ ये ऐसा है वैसा है, इसका बॉयफ्रेंड देख कैसा है वैसा है, ये सब तुम्हारे होता है। हम दोस्तों में गर्लफ्रेंड की बात भी नहीं होती है, ठीक है। क्या बात होती है फिर, क्या बातें करते हो तुम बैठ के अकेले। अबे हम बैठ के जो बातें करते हैं करते हैं, तुम्हें हर बात बताई जाएगी। मैं क्या बात करते हो, अरे यार लड़की कितनी मस्त है, हाँ अरे तो गर्लफ्रेंड की यार बात तो नहीं होती है ना, मतलब गर्लफ्रेंड को छोड़कर दूसरी लड़की को तारते हो और क्या। जो भी करते बात तो हैं तुम लड़कियों की ही करते हो ना। उससे क्या। नहीं कैली लड़कियों करते हैं, आंटियों की बात करते हैं हम। मतलब तो शर्म नहीं आ रही है, लड़के होके आंटियों की बात करते हो, लड़कियों की बात करते हो गर्लफ्रेंड की छोड़ के। हाँ तो गर्लफ्रेंड की क्या बात करनी है, गर्लफ्रेंड को इतनी बात होती है। और तेरी गर्लफ्रेंड कहती है अरे ठीक है यार दिमाग खाती थी, मैं सबका यही है बस इतनी बात होती हाँ है। अगर दूसरी लड़की हो तो उसकी तारीफ होती है, उसकी अच्छाई होती है, और जैसे ही वो लड़की गर्लफ्रेंड बन जाती है ना, अबे यार दिमाग खराब खाती रहती है, 24 घंटे कॉल करती रहती है। मतलब तुम लड़कों का मुझे कभी समझ में आ ही नहीं पाया, और लगता है तुम मुझे कभी लड़कों आ को, भी नहीं कितने पाएगा। लड़कों को जानती हो भाई तुम? बहुत सारे हैं मेरी नज़र में। तो बॉयफ्रेंड तो एक ही है ना, फिर तुम लड़कों का कैसे बोला? हाँ बॉयफ्रेंड एक ही है बट एक और लड़कियों का कभी समझ में नहीं आ पाया। जैसे कि जैसे कि क्या समझ में नहीं आ पाया, दूसरी लड़कियों की तारीफ करते रहते हैं बस, क्या तारीफ करते हैं। वो लड़की कितनी मस्त है उसको देखो उसको अच्छा मैं देखो। तो तुम्हें तो कभी किसी लड़की की तारीफ नहीं की। मेरे मुंह पे तो नहीं करी, पीठ पीछे तो तुम तारीफ ही करते रहते हो और क्या क्या करते हो। पीठ पीछे का तुम्हें सुनाई देता है? हाँ लड़कों की आदत है मुझे पता है ना, अभी तुमने यही तो बोला लड़कियों की बातें करते हैं, तो मैंने बोला तो, तो बोला तो मतलब करते ही होगे, तो हाँ तो करता हूँ सुबह। हाँ करते रहो फिर, लड़कियों की बातें करने बैठे रहते हो तुम ऑब्वियसली लड़कियों क्या। ऑब्वियसली की बातें करने बैठा रहता हूँ। हाँ, तो मेरी बात कहाँ करते हो तुम, लड़कियों की बातें ही करते हो सिर्फ, सही बात है। तो सही तो बात है, गलत बात कब है। और बताओ और क्या बताऊँ, तुम बताओ। क्या कर रहे थे। अच्छा कुछ नहीं, बैठी हुई थी तुमसे बात कर रही थी। और खाना वाना बताओ। खाया? हाँ खाना खा लिया तुमने, खा लिया। अच्छा तुम तो बाहर कॉफ़ी पीने गए हो, खाना खा के गए थे, खाना आके खाओगे नहीं वहीं पे कुछ हल्का हल्का खाऊंगा। क्यों, हल्का फुल्का क्यों, बाहर ही भी खा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं क्योंकि हमें फिर शाम को खाना भी खाना है ना, ये तो एक स्नैक में खा रहे हैं हम बस। अच्छा मतलब तुम दिन में खाना खाते हो तो शाम को खाना नहीं खा पाते हो। आ रहा हूँ भाई, जब फंस गए हम फालतू लोगों के बीच। हाँ हाँ मैं बोलो। तो तुम्हारे लिए फालतू हूँ ना, रख दो फोन फालतू हूँ। तो तुम्हारा दोस्त बुला रहा है, बहुत ज़रूरी मीटिंग चल रही होगी ना अभी, नहीं अगली मीटिंग में मीटिंग दो तो खैर लाख रुपए नहीं, मिलेंगे मीटिंग के।
नहीं ऐसी बात तो नहीं है, 2 लाख मिलेंगे, लेकिन सुकून मिलता है क्या सुकून मिलता है? दोस्त में बात करके। अच्छा, मुझसे बात करके झंडे उठती तुम्हारी जिंदगी? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं बोला। कहाँ बोलने से सीख का रही हो ये अल्फाज? मतलब तो तुम्हारा यही था। तुम कहाँ से सीख रहे हो इतने भारी भारी वर्ड? कौन से भारी वर्ड? जो भी तुमने बोला, क्या बोला मैंने? झंड हो रही है जिंदगी, तुम्हारी हो रही है ना, इसीलिए तो ये वर्ड कहाँ सीख गया? मैं तो बोला नहीं कभी। मुझे पहले से ही आता था वो बात लगे, मैंने तुमसे कभी बोला नहीं। अरे हाँ, पहले से तो बहुत कुछ आता है, भूल जाता हूँ मैं। थोड़ी तुम्हारी मेमोरी थोड़ी वीक हो गई है, तो मैं बादाम खाने चालू तुम्हें कर दो। परसों ले चलूँ? नहीं मुझे नहीं जाना, तुम चले जाओ, तुम्हें भी ज़रूरत है ना इसीलिए। तो तुमने फोन उठा दी, बोला था हाँ मैं पागल हूँ तो परसों ले अरे चलूँगा ज़रूरत तो मैं। तुम्हें भी है ना, किसकी? पागल खाने में थोड़ी सी दवाइयों वगैरह खाने की, इलेक्ट्रिक शॉक लेने की, नहीं नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है। पर मुझे तो लगता है कि तुम्हें ज़रूरत है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। चलो नहीं है ज़रूरत तो मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और बताओ। और मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊँ? हाँ जाओ तुम अपने दोस्तों के संग, क्या ही वैसे कर आज तो सकते तुम भी हैं। कहीं जाने वाली, तुमने बताया तो मेरा प्लान है, क्या हुआ उसका? हाँ मेरा प्लान तुम्हारी तरह नहीं होता दिन दोपहर ही में, मेरा प्लान शाम का है। शाम का? हाँ मैं तो भूल गया था, शाम को जाओगी? रात को 12-1 बजे आओगी? 2 बजे आऊँगी, 4 बजे आऊँगी, पूरा जाऊँगी। नहीं तुम्हें मतलब, तुम गए तो मैंने एक बार भी टोका तुम्हें, क्यों फ़ोन गए? करके टोकी रही हो और क्या कर रख रही दो हो? फोन, फिर नहीं बात करनी है तो मैंने ऐसा तो नहीं बोला। बोल। तो ऐसे ही रहे होती देर से, फोन करके परेशान कर रही हो। फोन कर दिया, मना करा था फोन नहीं उठाऊंगा, ये मैंने भी करूँगा वो करूँगा, ऐसे टोन में कब बोला? तुमने अभी तो बोला कि मना किया था ना फोन मत तो करना, इस फोन टोन नहीं में नहीं उठाऊंगा। बोला जिस टोन में तुम बोल रही हो। टोन चाहे जो भी हो, बात तो तुमने वही अरे बोली ना। क्या बात कर रही हो, टोन चाहे जो भी, टोन से जमीन आसमान फर्क पड़ता है यार। अच्छा क्या टोन से बोला था? मैंने बोला था कि मैंने मना तो किया था, अच्छा ऐसे बोला तुम, आपने मैंने मना इतनी, तो किया था आपने इतनी लाइट वॉइस में बोला था, जी बिल्कुल। और मैं बहुत मुझे देर तो से नहीं लाइट लग वॉइस रहा। में ही बात कर रहा हूँ, तो मैं कौन सी हाई वॉइस में बात कर रही हूँ? क्यों नहीं गए अपनी फ्रेंड के साथ? क्यों नहीं गए अपने घर पे? शाम को जाऊँगी। शाम को जाओगे? कहाँ जाओगे? वो तो कहीं जब, शाम तक तो मैं आ जाऊँगा ना, तो साथ चल लूँगा मैं भी। नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों? मैं तुम्हारे साथ गई थी, मैंने बोला था, मैं गई थी मैंने बोला था ना क्या? ले जाने के लिए, मना तो नहीं की थी मैंने। तो मैं जब तुम्हारे साथ नहीं गई, तुम भी मेरे साथ भी वो जाओगे? तुम अपनी मैं मर्जी से तुम्हें नहीं मना गई, कर रही हूँ, वो तुम अपनी मर्जी से नहीं गई, मैं तो मैं बोला तुम्हें था मना कर चलो। रही हूँ। हाँ तुम मना नहीं कर सकती, मैंने मना किया था जाने के लिए, अरे तो मैं मैं तो तो मना बोला कर था रही चलो। हूँ, नहीं मैंने जवाब बोला था नहीं ना। बताऊंगी तुम्हें कहाँ जा रही हूँ मैं, हाँ तो निकलोगी तो घर से ही? अपने घर से थोड़ी निकलूंगी। अच्छा किसके घर से निकलोगे? फ्रेंड के घर से, अपने घर से नहीं निकले बिना फ्रेंड के घर कैसे जाओगे? अपने घर से तो मैं बहुत देर की निकल चुकी अच्छा अभी तुम मैं। अपने घर पे नहीं हो? नहीं अपने घर पे नहीं हो तुम नहीं सच में? अच्छा सच में, वीडियो कॉल करूँ? नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है वीडियो कॉल की, मुझे पता है तुम अपने घर पे हो, हाँ तभी तो पूरा वीडियो कॉल करके दिखाओ मुझे प्रूफ पता है ना। तो। अच्छा पिक्चर भेज दूँ फ्रेंड के साथ, रीसेंट अभी की? नहीं कोई बात नहीं, जिस फ्रेंड के घर हो उसी फ्रेंड के घर आ जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात तुम उस थोड़ी, फ्रेंड को मैं जानते ही नहीं हो, सबको जानता और हूँ। जितनों को भी जानते हो चाहे ना जानते हो, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी। मैं बच्चा हूँ? तो मेरा पीछा करके भी नहीं आओगे? नहीं वो तो मैं पूछा हूँ, मैं बच्चा हूँ? मेरे लिए तो, क्या खांसी हो गई है क्या तुम्हें? कभी मेरे लिए तो जुकाम, कभी खांसी, कभी कुछ होता ही रहता है क्या तुम्हें? हाँ, तुम्हें दिक्कत है? हाँ दिक्कत है ना, क्या दिक्कत है? कभी जुकाम, क्या दिक्कत? अब क्या तुम्हें खांसी, खो खो तकलीफ खो। मुझे हो रही है, दिक्कत तुम्हें क्यों हो रही है? तुम्हें तो पता नहीं कितनी तकलीफें हैं, खांसी जुकाम मुझे, दिक्कत तुम्हें हो रही है? कितना तुम्हें तो इतनी तकलीफें हैं, किसी दिन भगवान अगर तुम्हारे सामने आ गए नहीं, 5 मिनट के अंदर वापस चले आएंगे, क्या इतनी तकलीफ सुना दूंगी। अरे भगवान क्या बताऊँ, ऐसी ज़िंदगी दे दी है तुमने, बॉयफ्रेंड ऐसा मिला बताओ, और फैमिली ऐसी मिली मुझे, ये बताओ मेरे दोस्त ऐसे हैं, ये ऐसे ये हैं, वो तुम्हारी ऐसे गलत हैं। फहमी है कि अगर 5 मिनट के लिए भगवान मेरे पास आएंगे तो मैं उनको तेरी कमियां बताऊंगी। मैं उनको सिर्फ इतना कहूंगी, भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए, पर मेरे जीवन में जितनी भी अच्छाई है उनको अच्छाइयों में ही रहने दो, और जितने भी थोड़े बहुत जितने भी कष्ट हैं वो सब आप ले लो अपने पास। अच्छा मतलब ये हुआ कि जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो तो मेरे पास रहें, और बुरी बुरी हाँ चीज़ें ले ले आओ। वाह भाई वाह, कितने होशियार होते हो तुम प्राणी। तुम भी तो प्राणी हो। तो मैं तो ऐसा नहीं बोलूँगा, मैं तो बोलूँगा जैसा चल रहा है बढ़िया है, और आओ भगवान जी और खाना पीना खाओगे, ऐसे और बोलेंगे। क्या? वो बोलेंगे क्या चाहिए बेटा तुझे? मैं बोलूँ कुछ नहीं चाहिए, आपने इतना कुछ दिया बहुत है, बाकी सब मैं अपनी तुम मेहनत तो करके उस कमा तरीके, तुम लूँगा। तो उस वाली कहानी की तरह बोल रहे हो कि सरस्वती माँ पता नहीं कौन से भगवान जी आते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए ये बोलो, तो वो कुछ पहले बोलता है कुल्हाड़ी वाली कहानी सुनी है तुमने?
जब आते नहीं है तो मत बोला हाँ वो करो। एंड में, शुरुआत में इतनी महंगी महंगी चीजें, मतलब इतनी वैसे वैसे कुल्हाड़ियाँ नहीं बोलते, लास्ट में बोलता है कि मुझे सिर्फ पत्थर की कुल्हाड़ी मिल जाए, तो वो बात उसके साथ हो जाती है, उसे पत्थर की कुल्हाड़ी मिल जाती है। मुझे कहानी थोड़ी ढंग से अच्छे से याद नहीं है, तो आई नो मिस्टेक कर रही हूँ, बट एंड में उसे वो लकड़ी की कुल्हाड़ी ही मिलती है। ये कुल्हाड़ी की कहानी और पत्थर की कहानी आप दोनों तुम मिक्स कर रही हो। मैं आप तो बताऊं कहते क्या हो रही हो, मुझे कहानी ढंग है? से याद नहीं नहीं, है। जो तुम बता रही हो दोनों कहानी बताता हूँ हाँ मैं। बताओ, सुनने में एक मजा कुला आएगा। एक कुल्हाड़ी की कहानी थी। मतलब एक कुल्हाड़ था, वो पेड़ काट रहा था, तो उसकी, लकड़ा आ रहा था, हाँ, उसकी जो वो है वो कुल्हाड़ी कुलाड़ी नदी में गिर नदी जाती में है। गिर जाती है। तो नदी में से एकदम, मतलब वो सरस्वती माँ आती है। आती हैं, वो सोने की एक कुल्हाड़ी होती है, ठीक है, एक चांदी की होती है। और एक चांदी होती है। वो पूछते हैं तुम दोनों में से तुम्हारी कुल्हाड़ी कौन सी है? तो बोलता है तो बहुत मतलब महंगी कुल्हाड़ी हैं, जो दोनों तो मेरी है नहीं, मेरी तो लकड़ी की कुल्हाड़ी थी, वो भी काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। तो सरस्वती माता खुश होकर उसको वो दोनों कुल्हाड़ी दे आती हैं, और वो पैसे वाला हो जाता है। ये पहली कहानी। अब दूसरी कहानी जो तुम तो सुना वो रही हो, कौन सी थी, मैं लकड़ी बता वाली? रहा हूँ ना, लकड़ी आई नहीं थी वो, मैं बता रहा हूँ। ये कहानी मतलब ये ऐसे थे कि वो बोलते हैं ना, 24 घंटे में एक बात हाँ, कई सत्य सच हो हो जाती जाती है। है। हाँ तो पत्थर लेके बैठा हुआ था और 24 घंटे कह रहा, ये पत्थर सोने का हो जाए, ये पत्थर सोने का हो जाए, सोने का हो जाए, सोने का हो जाए, कहते जा रहा, कहते जा रहा, कहते जा रहा। अब कुछ सेकंड बचे थे बस, ठीक है, मिनट में कुछ सेकंड बचे थे। तो गुस्से में उसने बोली, सोने मतलब पत्थर था सोने का नहीं, तो पीतल का ही हो जाए, कुछ तो तो हो जाए, पीतल का हो जाता तो है। पीतल का हो जाता है। ये वाह यार, कहानी तुम्हारा थी। टैलेंट है, अब मैं आई एम प्राउड ऑफ यू। इसी टैलेंट को यूज़ करके अपने दोस्तों से बात करने जा रहा हूँ। चलो ठीक है, तुम फिर फोन बात रख कर दो, लो। ठीक बाय। है, बाय।